आपका काम है सर, थोड़ी रिसर्च तो करिए। अच्छा हम एक टॉपिक रिसर्च कर लेंगे, दो कर लेंगे, कितने रिसर्च करेंगे बताइए, हम आपको सिखा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है एक नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर अभी हमारी फाइल ही नहीं बनी है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पर्सनली हमारे पास मैसेज, कुछ लोग हमसे व्हाट्सएप पे 1-to-1 जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर हमारा वाइवा बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो हम लोग पढ़ के गए थे सर जी ने वही पूछे। तो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ मेरा कुछ बच्चे कह रहे सर मेरा वाइवा नहीं तैयार है, ये टॉपिक बना दीजिए, वो टॉपिक बना दीजिए, सारी समस्याओं को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फाइल नहीं बनी है, बहुत लोगों का कमेंट था, ठीक है सर। तो भैया अगर फाइल नहीं बनी है तो कुछ लोग कहेंगे सर जी फाइल जरूरी है क्या? देखो जरूरी कुछ नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिए। आज हम इस वीडियो में बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए जो बहुत पुराने टीचर होते हैं नहीं, 10-12-15 साल पुराने, यार चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए नए टीचर बड़ा जोश होता है उनमें, ठीक है, फाइल भी होनी चाहिए, उस पर कवर भी चढ़ा होना चाहिए, ये भी है वो भी है, बहुत सारी बातें। तो अब आप क्या, आप ऐसे ही पहुंच गए फाइल नहीं बनी? फाइल नहीं बनी का क्या मतलब है यार? कल आपका पेपर है, क्या मतलब क्या है इसका फाइल बनी? हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। एक पॉकेट बुक आती है, ठीक है सर, पॉकेट बुक भी चलिए आपको नहीं मिल पाई, हटाइए वो भी नहीं, ऐसा एग्जांपल नहीं बताएंगे जो ना मिल पाए। अभी आपने क्या किया, इस वीडियो को मान लिया, देखा कल आपका प्रैक्टिकल है, मान लिया आप रात में भी देख रहे हैं, कल सुबह भी, मान लिया आपका 9 बजे प्रैक्टिकल है, आपने 8 बजे देखा, आपने क्या किया, प्रैक्टिकल वाली कॉपी या फाइल जो भी आपके उसने आपने उसे खरीदा, ठीक, बढ़िया कवर चढ़ाया, नाम डाला अंदर। जब आप कॉलेज, दो विकल्प हैं आपके पास, नंबर एक अगर थोड़ा सा टाइमिंग है घर पे हैं तो आराम से सर्च करिए, यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा कि आपको क्या प्रैक्टिकल लिखने हैं। मान लिया नहीं भी सर्च कर पाए, कोई बात नहीं सर, आराम से जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, कुछ भी, हम ये नहीं कर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। खाली हाथ उन्होंने की फाइल बनी है, नहीं बनी, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे, जब हम फाइल लेके गए थे उन्होंने कहा फाइल है, हमने हाँ कहा है ये उधर फेंक दो, फेंक बाद दी। अब हम कहते हैं नहीं है, क्या फाइल नहीं बनाई तुमने, अभी ऐसी तैसी कर रहा तुम्हारी, समझ गया सर आप? इसका मतलब यह है कि आपके पास समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर कुछ नहीं भी है तो कम से कम एक कॉपी खरीद लीजिए, कवर चढ़ा लीजिए, और नहीं भी कर पा रहे तो मान लिया 9 बजे से एग्जाम आने वाला है, वहीं बैठ के दो पन्ने लिख लिए, किसी ने पूछा क्या कर रहा है यार जी, अरे यार एग्जामिनर, वही नहीं, हमें पता है बंदूक में गोली नहीं है, तुम्हें पता नहीं बंदूक में गोली नहीं है, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता बंदूक में गोली नहीं, कॉपी तो आप लेके जाइए। एग्जामिनर ने बाई चांस कॉपी खोल भी दी, सर जी अरे हमारा बस, हम कोशिश तो कर रहे थे, हमने लिख दिया था, कम से हमने कोशिश तो की, ऐसे क्या सर जी है ही नहीं मेरे पास, ये कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है सर। तो फाइल अगर नहीं है तो उसे खरीदिए, और या तो कहीं YouTube वगैरह से जो मिले वो लिख लीजिए, नहीं मिल रहा है पॉकेट बुक है खरीद लीजिए, 15-20 की मिलती है उससे लिख लीजिए, और वरना आप क्या करेंगे कॉलेज में ही जाके आधे घंटे पहले किसी से देखा भाई देखे क्या थोड़ा छाप लिया एक आध पन्ना, बस हो गया सर। एक्चुअल में अगर एक्सपीरियंस शेयर करें, हमने एक बार क्या किया था, प्रैक्टिकल की फाइल मेरे पास नहीं थी, तो हमने क्या किया बच्चों से पन्ने मांग लिए सर, एक एक पन्ना दे, पन्ने मांग के इकट्ठे कर लिए, और फाइल सर जी हमारे रास्ते में सर जी गिर गए थे, फाइल हमारी फट गई, अब यही है सुबह सुबह कुछ हमारा उसका फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल जमा हो गया, सर ने कही बाद में फाइल लेके आना, बाद में कौन लेके आता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब खुद ही निगेटिव बने घूम रहे कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता सर, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग डर रहे थे कि प्रैक्टिकल मेरा खराब हुआ, तो बहुत सारे बच्चे 1-to-1 अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, और होता क्या अच्छा, लोग कह रहे सर वाइवा तैयार कर दीजिए, ये दोनों हम एक ही में कवर करेंगे, वाइवा तैयार करा दीजिए। अब वाइवा काहे का तैयार करिए, अब ब्राउनी गति का वाइवा तैयार करा दीजिए, ब्राउनी गति में क्या वाइवा तैयार कराएं बताइए सर, ब्राउनी गति खोज किनने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी, या टिंडल प्रभाव का वाइवा तैयार करवा दीजिए, हैवर विधि का वाइवा, ये आपका काम है सर, थोड़ी रिसर्च तो करिए। अच्छा हम एक टॉपिक रिसर्च कर लेंगे, दो कर लेंगे, कितने रिसर्च करेंगे बताइए, हम आपको सिखा रहे हैं भाई। हैवर विधि अमोनिया का, अमोनिया से जुड़े प्रश्न ऐसे डाला देखा बैठ के, कुछ लोग कहेंगे सर उसमें हमारा टाइम खराब होगा, अरे टाइम को आप कर भी क्या, अगर कल प्रैक्टिकल तो ताकत लगाइए ना, जितनी नॉलेज बटोर सकते हैं बटोरिए, प्लस जो विधि है उसे तो बिल्कुल पक्के तरीके से याद ही कर लीजिए, या फिजिक्स में है बायोलॉजी में है जिसमें भी है वो चीज बिल्कुल कायदे से याद कर लीजिए। उन्होंने सबसे पहले तो यही पूछे क्या बनाया, बोले ब्राउनी गति बनाई, सुनाओ क्या होता, वही नहीं सुना पाए, वाइवा के 50 क्वेश्चन याद करके घूम गए और सुना नहीं पा रहे ब्राउनी गति क्या होता, क्या होगा फिर उससे। तो इसलिए सबसे पहले तो टॉपिक बिल्कुल कायदे, ट्रांसफार्मर में हाँ बनाया, सिद्धांत आता हाँ आता, सुनाओ, सुनाया फटाफट बिना गेर फंसे कॉन्फिडेंस के साथ, जितना भी सुना रहा है जितना हमें याद है वो मेरा सॉलिड है, बाकी जो है वो देखा जाएगा यार क्या होगा ज्यादा ज्यादा। देखिए हमें एक बार ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, बुरे तो कुछ मिलते नहीं मेरे भाई, और हम आपको बता दें एक्सपीरियंस के लिए, प्राइवेट स्कूल वालों को 27-28 सबको मिलते हैं, सरकारी वालों को 25 तो मिल ही जाते हैं,
ठीक है। और बाकी जो पुराने टीचर वो, अरे टीचर खुद सोचता है यार बच्चे के हम क्यों काटेंगे फालतू में नंबर, दे देता है। लेकिन आपके पास सब कुछ चीजें होनी चाहिए, कॉपी अगर बताई है सर ने तो ले जाइए सर, इस तरीके से प्रॉपर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, हम स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगाएंगे अगर मिलते या बाद में लगा देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वाइवा बहुत अच्छा हुआ है और बस नॉर्मल, हम लोगों ने पूछा क्या पूछा गया, तो नॉर्मल सर पूछा, क्या पूछा, क्या बनाया है, ये बनाया क्या होता है ये बताइए, सिद्धांत क्या होता है, इसके उपयोग पता है, उदाहरण बता सकते हो, दैनिक जीवन में इधर उधर से एक दो फार्मूले पूछ लिए, हो गया सर बस। किसी ने डाई एथिल ईथर बना लिया, हालांकि हम कंपाउंड बनाने को मना करते हैं, लेकिन चलिए बना लिया, तो क्या डाई एथिल ईथर का फार्मूला पता, हाँ पता है सर, क्या होता है C2H5O C2H5 होता है, ठीक है, इसका अणुवार पता, हाँ पता है, अणुवार याद कर लीजिए निकाल के, उसके बाद इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, या अभिरत ईथरीकरण विधि क्या होती है, या इसमें नेम रिएक्शन कौन सी आती है, तो विलियमसन संश्लेषण विधि कौन सी होती है, इस तरीके किसी मान लिया कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर कौन सी नेम रिएक्शन है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट विधि है, औद्योगिक विधि क्या है, ये सारी चीजें बिल्कुल कायदे से आपको तैयार कर लेनी है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी वही है कि उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या, किस पे काम करता है, यूजेस क्या है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग, ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में क्या करेंगे आप, बायोलॉजी में भी अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी लोग कहते हैं रटने रटने का कुछ नहीं होता सर, एक बार आपने समझ लिया कायदे से बस सर हो गया काम। तो कायदे से चीजों को पढ़िए, टेंशन लेना बंद करिए, ठीक है। और मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, वरना ये 10-15 टॉपिक तो हम यहाँ पे कवर कर ही सकते थे। फिलहाल पिछली वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार दिया, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं बस दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एप्लीकेशन का लिंक भी दे देते हैं, अगर कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे सर, आप आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट, हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।